इंटरेस्टिंग था प्रीवियस क्लास. हम लोग देखे हैं लोकेशन ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर. जो चीज देखे उसको रिकैप कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे. देखे थे कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, कोई एक कंकेव मिरर है, बात चल रहा है कंकेव मिरर का. सी के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बनता था सी और एफ के बीच में. और अगर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बनता था यहाँ पे. ऑब्वियस है, ये ऑब्जेक्ट का और इमेज का रिलेशन देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि यहां से निकलता हुआ सारा रे अगर रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट में जा रहे हैं, तो रेज अगर यहां से निकलेंगे तो रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां पे मिलेंगे. मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट होने से अगर यहां पे इमेज होता है, तो यहां पर इमेज होने से यहां पर ऑब्जेक्ट होने से यहां पे इमेज होगा, जो कि प्रीवियस केस में हो रहा था. इधर ऑब्जेक्ट रखे, इधर इमेज हुआ. इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे, इधर इमेज होगा. वही तो बना है, ठीक है. तीसरा हुआ, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट इज एट सी, वी हैव सीन द इमेज इज आल्सो एट सी एंड दैट इज ऑफ सेम साइज. और क्या देखें, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनता था, मिरर के पीछे बनता था. मिरर के पीछे बनने से इमेज को क्या कहते थे, वर्चुअल इमेज. यस, वर्चुअल इमेज. और ये ऐसा होता था. अच्छा, फिर देखें कि अगर ऑब्जेक्ट एफ पे रखा गया तो सारा रिफ्लेक्टेड रे, बड़े इंटरेस्टिंग है, सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को पैरेलल है, दे नेवर इंटरसेक्ट ऑन दिस साइड नॉर ऑन द अदर साइड बाय एक्सटेंशन. तो हम कहेंगे द रेज आर कन्वर्जिंग एट इंफिनिटी, टू पैरेलल रेज कन्वर्ज एट इंफिनिटी, ऐसे माना जाता है. और इसको हम एक हाइपोथेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि दो पैरेलल रे इंफिनिटी में आपस में मिलते हैं, ठीक है. अच्छा, कन्वेक्स मिरर के लिए देखें, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज तो मिरर के पीछे ही बनेगा. और कहां बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा, छोटा सा इमेज बनेगा. मतलब फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, द इमेज इज ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ. ये सारा चीज देख देख के हम लोग डर गए, कितना याद रखेंगे, यहां रखने से वहां होता है, वहां होने से यहां होता है. चलिए कुछ टेक्निक्स आज सीखेंगे कि हाउ टू नो द लोकेशन ऑफ मिरर, हाउ टू नो द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा कि छोटा होगा, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, ऐसे करके ढेर सारी चीजों को कुछ शॉर्टकट सीखेंगे और जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी मदद करेगा. चलिए आज हम लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ मिरर, लोकेशन ऑफ मिरर. ये हो गया आर्टिकल है ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आर गिवन. आपको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, इमेज दिया रहेगा, उसको खाली दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा. उसको देख के बताना है कि कौन सा मिरर है, कहां पर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, उसका फोकल लेंथ कितना है, मिरर कहां पे रखा है, ये सारा डाटा बस ये दो फिगर को देख के एनालिसिस करना है. कोशिश करते हैं, पहले देखेंगे लोकेशन ऑफ, ये दो पार्ट में आएगा, लोकेशन ऑफ मिरर, फिर टाइप ऑफ मिरर देखेंगे कौन सा टाइप का मिरर लगा. अच्छा, पहले समझते हैं कि सपोज हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक मिरर है, ठीक है, और ये मान लो कि कनकेव हो कन्वेक्स हो कोई भी एक मिरर है, और मान लो कि यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है. सपोज यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज हम कहेंगे यहां पे उसका इमेज बना है, ठीक है, ऐसा दिया है. इसका मतलब इस हेड से निकलता हुआ जितने सारे रे यहां से रिफ्लेक्ट करेंगे वो सारे के सारे इस हेड से जाएंगे, है कि नहीं. अगर मैं कहूं कि यहां से कोई रे एक आ रहा है ऐसे, सपोज ऐसे कहेंगे कि यहां से एक रे ऐसे आ रहा है, तो ये रे रिफ्लेक्ट करने के बाद कैसे जाएगा, डेफिनेटली लाइक दिस, बिकॉज ऑल
रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज एट द सेम पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो फिर चलो सोचते हैं ऐसे, सपोज कोई रे यहां से आके यहां पे गिरा, तो ऑब्वियसली जब वो रिफ्लेक्ट करेगा वो ऐसे आएगा, इधर से जाएगा। हाँ, ये बात भी तो समझ में आया। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर तो दिख रहे हैं, क्योंकि दिस टू एंगल्स आर सेम एंड दिस टू एंगल्स आर आल्सो सेम, तो ऑब्वियसली द थर्ड एंगल हैज टू बी सेम। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलने वाला है। ये जो फिगर है इमेज का, ये क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या था? ऑब्जेक्ट। ये क्या था? इमेज। ठीक है, अगर मैं इमेज को उल्टा कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना मेरे बच्चों, थोड़ा अगर इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, आई इन्वर्ट द इमेज, क्या फिगर ऐसा नहीं बनेगा? यस, इमेज को उल्टा कर दिया तो ऐसा बन गया। तो इसका मतलब पोल कहां पे है? अगर हम ऑब्जेक्ट का हेड इन्वर्टेड इमेज का हेड को जोड़ के एक्सटेंड करेंगे, जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वहीं पे है पोल। क्या समझ में आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट की हेड से कोई रे रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेज की हेड से होते हुए जाता है, इमेज को अगर उल्टा कर देंगे, ये हो गया इमेज, ये हो गया इन्वर्टेड इमेज, ऑब्जेक्ट का हेड इन्वर्टेड इमेज का हेड को जोड़ के एक्सटेंड करेंगे, जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वहीं पे होगा पोल, जहां पे होगा पोल वहीं पे होगा मिरर। रीडिंग लोकेशन ऑफ द मिरर पता चल गया, कैसे पता करेंगे? वी शैल सी द स्टेप्स टू नाउ। हम लोग अभी उस स्टेप्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोकेशन ऑफ मिरर पता करेंगे। तो क्या करना है? टू नो द लोकेशन ऑफ द मिरर हमें कुछ तरकीब लेना है। क्या करना है? इन्वर्ट, स्टेप्स बता रहे हैं अभी। नाउ आई एम टेलिंग यू द स्टेप्स। स्टेप वन, इन्वर्ट द इमेज। ठीक है, जॉइन हेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज एंड एक्सटेंड द पॉइंट द एक्सटेंशन कट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल, एट द पोल, एंड वेयर इज द पोल? पोल इज देयर वेयर द मिरर इज। समझ में आया क्या? तो पोल का लोकेशन जानना आपके लिए कोई दुख की बात नहीं है, डिफिकल्टी नहीं है, आप लोग फटाफट बता सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। लेट्स, अगर आपको समझ में आया, जस्ट ए मिनट थोड़ा देख समझ लो। अरे भाई समझ लो, लिखने की पूरा मौका मिलेगा, हम कहां भाग जा रहे हैं। आई गिव यू ऑल डिटेल्स टू राइट। समझ लो क्या? In each of following cases, predict the position of mirror. Predict the position of mirror. आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक छोटा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं। Position of mirror कैसे? मान लो कि यहां पे दिया है कोई एक ऑब्जेक्ट। ये क्या दिया है? ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दिया है इमेज। पूछा है मिरर कहां है? इट इज एट टू द लेफ्ट ऑफ ए, टू द राइट ऑफ बी, और बिटवीन ए एंड बी। आपको बताना है, सोच के बताना है। चलिए ऑब्जेक्ट इमेज देख के आप पता कर सकते हो सारा चीज। सपोज मैं केस बदल देता हूं, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमेज कहां मिल रहा है? इमेज यहां मिल रहा है, ये है
इमेज, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, पूछा है बताओ कहाँ है मिरर, टू द लेफ्ट ऑफ ए, बिटवीन ए एंड बी, टू द राइट ऑफ बी, समझ में आ रहा है ना? ये मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, थोड़ा कुछ अच्छा सा इंटरेस्ट दोगे तो तुम लोगों को काम में लगेगा, ठीक है? ये हो गया, अब मैं केस बदलता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, ठीक है, अच्छा, तीसरे केस में मैं देखना चाहूंगा तो ज्यादा नहीं हो रहा है, तीसरा केस में मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, ओके, लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट पेज टू से here is the object or here is the image, say ये हो गया image, ये हो गया object, कहाँ है mirror, अब दूसरा ये हो गया object और ये हो गया इमेज, बड़ा सा इमेज, छोटा ऑब्जेक्ट, बड़ा इमेज, ये हर एक केस में आपको बताना है कि जो मिरर है वो कहाँ पे है, कौन सा मिरर, में नहीं पूछ रहा हूं अभी, मैं पूछ रहा हूँ लोकेशन, फिर पूछेंगे कौन सा मिरर है, कंकेव है कि कन्वेक्स है, वो सब भी देखेंगे, फिर उसका फोकल लेंथ क्या है, सारा उसमें से निकल जाएगा फ्रॉम द कंसेप्ट। तो क्या हम लोग ये सारा चीज समझ चुके हैं? देख लो, हमें पता करना था कि कहाँ है ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए कहाँ है मिरर, उसके लिए क्या करना होता था, स्टेप दे दिए, पहला स्टेप इन्वर्ट द इमेज, जॉइन द हेड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज एंड एक्सटेंड द एक्सटेंशन कॉट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इमेज है उस इमेज को उल्टा करना है, उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो गया इन्वर्टेड इमेज। अब ये जो इन्वर्टेड इमेज है इसको ऑब्जेक्ट के हेड के साथ जोड़ो, जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वहीं पे होगा मिरर, सो मिरर बिटवीन ए एंड बी, क्या सबको समझ में आया? Yes, इस केस में देखो, इस केस में भी इमेज को उल्टा करो, इन्वर्ट कर दिए तो ये कहाँ है देखो, तो इट विल बी बिटवीन ए एंड बी, यस बिटवीन ए एंड बी, दोनों ही केस में आपको मिल गया मिरर बिटवीन ए एंड बी, बढ़िया। अगला केस में यहाँ पे देखो, इमेज को उल्टा किए तो ये राइट ऑफ बी एक्सटेंड करो, दोनों को मिला के एक्सटेंड करो, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वहीं पे है मिरर, तो आप कहोगे राइट ऑफ बी। यहां पर भी इमेज को उल्टा करो, हाँ यहां पर इमेज को उल्टा किया और ऐसे जॉइन किया, फिर इन दोनों को मैं क्या करता हूँ दोनों को थोड़ा इन्वर्टेड इमेज का हेड और इसको जोड़ के आगे बढ़ाता हूँ, जहां पे कट करेगा वहीं पे होगा पोल, द पोल इज हियर। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, आंसर हो गया टू राइट ऑफ बी एंड हियर टू लेफ्ट ऑफ ए। हाँ, तो ये हमें समझ में आ गया, हम कर क्या रहे थे, वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट लोकेशन एंड टाइप ऑफ मिरर, लोकेशन ऑफ एंड टाइप ऑफ मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आर गिवन। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दिया गया है तो कौन सा मिरर है, कहां पे है, खाली इतना नहीं, हम जैसे बताया हम उसमें से फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, सी का पोजीशन निकाल सकते हैं, एफ का पोजीशन निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा, इसीलिए तो इस चैप्टर को कहते हैं रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स।
हम लोगों के पास कुछ मिरर फॉर्मूला वगैरह है, 1/v + 1/u = 1/f ऐसे करके कुछ फॉर्मूले हैं, बट दे आर ऑल मैथमेटिकल एनालिसिस, दे आर कॉल्ड गॉसियन फॉर्मूला, ठीक है। फिर सिमिलरली न्यूटन फॉर्मूला भी है ये मिरर चैप्टर में, बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को, तो लोकेशन ऑफ मिरर हमें समझ में आ गया। अच्छा, मिरर समझ में आ गया, अब मुझे चाहिए मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैसे पता करेंगे? पोल से सी का डिस्टेंस, कोई एक मिरर का, कोई एक मिरर का पोल से सी का डिस्टेंस होता है रेडियस, रेडियस पता करना है, ठीक है। रेडियस पता कर देंगे तो फोकस भी तो पता चल जाएगा। अब हम निकालना चाहते हैं लोकेशन ऑफ सी द सेंटर। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कोई एक मिरर है। अब ये मत सोचना कि मैं जो बता रहा हूं वो सिर्फ कन्वेक्स मिरर, कंकेव मिरर के लिए नहीं, सारे मिरर के लिए, इवन इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन मिरर ऑल्सो, ठीक है। ठीक है, देखेंगे। तो यहां पे कोई एक मिरर है, चलो मानते हैं कि यहाँ पे उसका सेंटर है ना, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये मिरर ऐसा रखा हुआ है, ये है मिरर। आप जानते हो कि मान लो कि इसका इमेज कहीं यहीं बन रहा है, ये हो गया इमेज। सपोज इमेज क्या है, इमेज इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब ये है कि यहां से कोई भी रे ऐसे आएगा तो रिफ्लेक्ट करके इधर से जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे यहां से जाएगा, यहां से कोई भी रे निकलेगा रिफ्लेक्ट करके यहां पे आएगा, पोल पे आएगा तो इधर से जाएगा। अगर ये सेंटर से आएगा, सोचो, रिफ्लेक्ट करके कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। दैट मींस अगर ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज, क्या हम सेंटर कहां है पता कर सकते हैं? यस, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का हेड इमेज हेड को जोड़ के एक्सटेंड कर लेंगे, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वो है सेंटर। अरिटिंग पोल के केस में अलग था, इमेज को इन्वर्ट करके जोड़ रहे थे, अब डायरेक्टली जोड़ रहे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस, है ना, इंटरेस्टिंग चीजें। यस, तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसको हम लोग, कैसे लिखेंगे? पहला, जॉइन हेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड एक्सटेंड द एक्सटेंशन कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट सी। हाँ सर, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। ऑब्जेक्ट का हेड इमेज का हेड को जोड़ो, एक्सटेंड कर दो, जहां कट करेंगे वहीं पे सेंटर। अच्छा, तो चलो दोनों नॉलेज को कंबाइन करते हैं, दोनों नॉलेज को कंबाइन करते हैं और फिर देखते हैं। इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस, ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस फाइंड पोजिशन एंड टाइप ऑफ मिरर यूज्ड, कौन सा मिरर लगा है और कहां पे है वो मिरर, क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज आई से क्वेश्चन नंबर वन मैं आपको दूंगा, पहले मैं एक कर लेता हूं। सपोज आई से हियर इज एन ऑब्जेक्ट, हियर इज एन ऑब्जेक्ट एंड हियर इज एन इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। अच्छा, पूछा है बताओ मिरर कहां है और कौन सा मिरर है, मिरर कहां है और कौन सा मिरर है, मिरर कहां है जानना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हम तो इमेज को उल्टा कर देते हैं और जोड़ देते हैं इसको, यहां पे है पोल, द मिरर इज हियर, यहां पे मिरर है, कौन सा मिरर है,
प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनवेक्स मिरर। चलो सोचते हैं, पहले सेंटर पता करते हैं। वेयर इज द सेंटर? हाउ वी गेट द सेंटर ऑफ द मिरर? जॉइन द हेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड एक्सटेंड द एक्सटेंशन क्रॉस द प्रिंसिपल एक्सिस एट सी। ओहो, ये बात है। तो इन दोनों को जोड़ो और एक्सटेंड करो, तो सेंटर मस्ट बी हियर। पी मिल गया, सी मिल गया, इसके बाद कोई शॉर्टकट नहीं, दिमाग का खेल है, आपको बताना है। इसके बाद सिर्फ दिमाग का खेल है। बताओ कोई मिरर यहाँ पे है जिसका सेंटर ऐसा है, तो मिरर कैसे होगा? ऐसा वाला होगा कि ऐसे वाला, ए वाला कि बी वाला, कौन सा मिरर होगा? बी, क्योंकि सेंटर इधर है ना। सो मिरर मस्ट बी समवेयर हियर। पता चल गया कि यहाँ पे जो मिरर हमें रखना है वो मिरर कुछ हियर है, पी भाग। यहाँ पे जो मिरर हमें रखना है वो मिरर को कुछ ऐसा होना है, क्योंकि सेंटर इधर रहेगा। अच्छा, ऐसा है, लेकिन ऐसा देखने से थोड़ी पता चलता है कि कन्वेक्स है कि कॉनकेव है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज हो रहा है, मतलब ये वाला सरफेस सिल्वर हुआ होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा मिरर हो गया? ये कौन सा मिरर हो गया? कन्वेक्स मिरर बिटवीन ए एंड बी। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस, इट इज ए कन्वेक्स मिरर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आपके लिए मैं दूसरा क्वेश्चन करने वाला हूं, आप करोगे उसको। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में आपको बताना है ये है कोई ऑब्जेक्ट और ये है कोई इमेज, ये है कोई ऑब्जेक्ट और ये है कोई इमेज। बताना है कहाँ पे है मिरर और कहाँ पे है मिरर और कौन सा मिरर है। यू आर स्टिल विद द सेम क्वेश्चन। थोड़ा मैं सेम फिगर है, मैं थोड़ा फिगर को बढ़िया से ड्रॉ करता हूँ, सोचा आप लोग देख पाओगे फिगर को। सेम फिगर में कुछ दूसरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सेम फिगर को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, ऐसे ड्रॉ करने में थोड़ा अच्छा दिखता है। यस, ये हो गया मिरर। ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर खड़ा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके ऊपर खड़ा है इमेज। ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, और आपको पता करना है कि कौन सा मिरर है, कहाँ पे है। सपोज ये पॉइंट को हम ए कहेंगे, ये पॉइंट को बी कहेंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ मिरर पता करना है। लोकेशन ऑफ मिरर कैसे पता चलता है? इन्वर्ट द ऑब्जेक्ट और इमेज। देखो मैं नोट्स में लिखवाया था कि यू इन्वर्ट द इमेज एंड जॉइन द हेड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, आप इमेज को इन्वर्ट करो या ऑब्जेक्ट, किसी एक को इन्वर्ट करना और दोनों को जोड़ देना। ठीक है, तो ठीक है मैं करता हूं जैसे आपको बताया था। सपोज आई गो लाइक दिस, ये हो गया इन्वर्टेड इमेज, ये हो गया इन्वर्टेड इमेज। यस यस यस, देखो आप लोगों को समझ में आने लगा तो मेरे को भी मजा आने लगा। ये हो गया इन्वर्टेड इमेज के साथ जोड़े तो जो पॉइंट मिलेगा, दैट इज व्हाट इज द पोल। मिरर यहाँ पे है रे भैया, मिरर इज समवेयर हियर। अच्छा, उसका सेंटर कहाँ है? सेंटर दोनों को जोड़ो, एक्सटेंड करो, यू फाइंड द सेंटर इज समवेयर हियर। मिल गया क्या? तो फिर बताओ P पे कैसा मिरर होगा, ए वाला कि बी वाला? ए वाला मिरर होगा। अच्छा, ए वाला मिरर यहाँ पे हुआ, अगर ए वाला मिरर यहाँ पे हुआ क्योंकि सेंटर इधर है ना, तो फिर कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये हो गया हमारा क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये वाला सरफेस मस्ट बी सिल्वर कोटेड। तो कौन सा मिरर हुआ? कॉनकेव मिरर बिटवीन ए एंड बी। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन को मैं नहीं करने वाला, आप लोग पूरा करोगे। क्या दिया है? दिया है कि ये कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है,
दिस इज व्हाट इज ए प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या दिया है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है और इमेज यहाँ पे पड़ा है, ये इमेज है, ठीक है ना? ये है इमेज, कहाँ पे? ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया ए, ये हो गया बी। पता करना है आपको, पता करना है आपको कि कहाँ पे है मिरर, कौन सा है मिरर, बताओ। टाइप ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ मिरर आपको पता करना है। यू कैन डू इट, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आप पक्का कर लोगे। ट्राई विथ योर आंसर्स, जोर लगा के थिंको, यू कैन डू। कितना जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बोल देते हो, पक्का किसी अच्छे फिजिक्स टीचर के पास पढ़ रहे होगे, नहीं तो इतना जल्दी जल्दी कैसे बोल देते हो? नहीं, चलिए मेरे को भी कभी मिलाना उनसे। अब देखो, मुझे पोल का लोकेशन पता करना है तो पहले मुझे इमेज को इन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इन्वर्टेड हो गया इमेज, अब इसको अगर हम, ये इन्वर्टेड इमेज है, इसको अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे और आगे निकालेंगे, अरे यहाँ पे आ गया पोल, पोल यहाँ पे आ गया। सेंटर कहाँ है? सेंटर इज बिटवीन हियर ए एंड बी। अच्छा, तो पोल पे कैसा मिरर होगा? ए वाला की बी वाला, ए वाला, ए वाला मिरर। देखो कितना बढ़िया बोल रहे हैं, ए वाला मिरर होगा। ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर वाला फेस रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला सरफेस रहेगा, क्या ये रहेगा सिल्वर सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. तो ऐसा खाली हम लोग फिगर बनाने के लिए नहीं किए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और हम लोग देखेंगे उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे करेंगे। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? When an object of height 4 centimeter was kept in front of, kept in front of a spherical mirror, spherical mirror, an inverted image, inverted image of height 8 centimeters was formed on a screen. अच्छा, if distance between object and image is 30 centimeters, find the type of mirror used, type of mirror used and the radius of the mirror। मैं फोकल लेंथ भी पूछ सकता था, क्योंकि रेडियस मिल गया तो फोकल लेंथ क्या होता है? आर बाई टू, ए इज इक्वल टू आर बाई टू और आर इज इक्वल टू 2f। तो ये हो गई क्वेश्चन आपके सामने, आपको इसको सोच के आंसर बनाना है। मेरे ख्याल से आप लोग बना लोगे, अगर आप फिगर बना लोगे, इफ यू कैन ड्रॉ द फिगर यू कैन डू एवरीथिंग। पहले फिगर बनाने की कोशिश करिए। क्या दिया है? इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन।
तो ये कौन सा इमेज होगा भैया? रियल इमेज होगा कि वर्चुअल इमेज होगा? कौन सा इमेज स्क्रीन पे बनता है? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज दिखाई देता है, स्क्रीन पे नहीं बनता है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया, यहाँ पे स्क्रीन लगा था और यहाँ पे इमेज बन गया। ये 4 सेंटीमीटर वाला था, ये 8 सेंटीमीटर बना था। क्या लिखा है? इन्वर्टेड इमेज बना है। हाँ, उल्टा कर दिया इमेज को बस। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछा है कौन सा मिरर यूज हुआ है, बताओ उसका रेडियस क्या है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो? चलिए देखते हैं। तो आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन है वो आपको बढ़िया से समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा इसका फिगर को ड्रॉ कर जाओगे तो। कि देखो कैसे हो रहा है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन में क्या दिया है? ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हाइट वाला छोटा सा नाटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था। तो पता चला इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना। कहाँ पे बना? स्क्रीन पे बना। स्क्रीन पे बना मतलब that must be a real image। तो इमेज कहाँ पे बना? यहाँ पे बना। कितना बड़ा बना? 8 सेंटीमीटर वाला बना। 8 सेंटीमीटर, ये 4, ये 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। पूछा है व्हाट इज द सेंटर रेडियस ऑफ द मिरर, और पूछा है व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर, लोकेशन ऑफ मिरर, ये सब। लोकेशन ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर, ये सब आपको आता है, मुझे मालूम है। चलिए आगे बढ़ते सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन में थोड़ा फिगर को बड़ा करके करूंगा। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इमेज। इन्वर्टेड इमेज बोला है तो उल्टा इमेज बनाया। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। अच्छा, हमें मालूम है कि सेंटर कहाँ है। चलिए पहले सेंटर पता करते हैं। दो पार्ट में क्वेश्चन को करने वाला हूं मैं। पहला पार्ट में मैं निकालना चाहता हूँ सेंटर, वेयर इट इज, आई डोंट नो, समवेयर हियर। सेंटर यहाँ है। अच्छा चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस हो गया 30 - x। थोड़ा नेमिंग कर देता हूँ इन सारे पॉइंट्स को। चलिए इस पॉइंट को कहता हूँ ए और इस पॉइंट को कहता हूँ बी, ठीक है। और ए बी क्यों लिखेंगे? आई एल ओ लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये हो गया आई और ये हो गया ओ, और ये पॉइंट को कहो ओ डैस, ये पॉइंट को कहो आई डैस। अच्छा ये बात है। तो मुझे सी कहाँ है पता करना है। हमें क्लियरली दिख रहा है ये फिगर में, क्या दिख रहा है इस फिगर में? ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो जो ट्रेंगल दिख रहे हैं हमें, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। Here, I will see, here, अच्छे की दिमाग खुल जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन को उनको पूछ लोगे तो, क्योंकि लॉजिक्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। हियर 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 कौन कौन सा ट्रेंगल सिमिलर है? आई डैश आई सी ट्रेंगल एंड ओ, ये ओ डैश, ओ डैश ओ सी ट्रेंगल आर सिमिलर। ये सी कहां से आया? सबको समझ में आया कहां से आया? हमारा कंसेप्ट से आया। इमेज का हेड ऑब्जेक्ट का हेड को जोड़ो, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वही होता है सी। अच्छा सिमिलर है तो ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 8 सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे ओसी बाई सी आई, ओ सी बाई सी आई इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आई इज इक्वल टू 4/8। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? ये समझ में आ गया। OC कितना है? OC है x और CI कितना है? It is 30 - x, that is equal to 1/2। अच्छा थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते करते ज्यादा जगह ले लेगा, इसको थोड़ा साइज में बना के रखते हैं। इक्वल टू ये है, हाँ यहां से ये पता चलता है, इक्वल टू दिस। That means 2x is equal to 30 - x, cross multiply किया,
इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 10। यस 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 x इज 10 सेंटीमीटर। कोई आंसर बता रहे हैं रेडियस का। अब मुझे रेडियस पता करना है, लेकिन ये तो बनेगा नहीं इतने में। ठीक है, मैं भी रेडियस पता करना चाहता हूँ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, थोड़ा मैं आपके लिए इस चीज को ऐसे सजा के लिखता हूँ, सो दैट आई कैन राइट इन द नेक्स्ट पेज। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए, ये चीज हमें समझ में आ गया। मुझे अभी निकालना है रेडियस ऑफ द मिरर। रेडियस ऑफ द मिरर क्या होगा ये हमें समझना है। चलिए अगले पेज में चलते हैं, जगह हमारे पास ढेर पड़े। क्या दिया है? दिया था कि ये है हमारा, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, 8 सेंटीमीटर का इन्वर्टेड इमेज, ये 8 है, ये 4 है। कहाँ है मिरर? इमेज को उल्टा करिए, इमेज को उल्टा करिए, तो फिर देखिए क्या मजा आ रहा है। इमेज को उल्टा करेंगे तो ये ऐसे आएगा, उल्टा इमेज कुछ ऐसे आएगा, उल्टा इमेज ऐसे आएगा, ये हो गया उल्टा इमेज। कितना हाइट का है? इसी का उल्टा है तो 8 होगा। तो कहाँ है मिरर? उल्टा इमेज का हेड, उल्टा इमेज का हेड और ऑब्जेक्ट का हेड जोड़ो और खींचो। यहाँ पे कहीं मिला, यहाँ पे होगा पोल, यहाँ पे होगा पोल। मालूम नहीं ये डिस्टेंस कितना है? से दिस इज एक्स, देन व्हाट इज दिस? दिस वाज 30 given। तो अगर हम कहेंगे ये फिगर में कि ये ऑब्जेक्ट था, तो इसको थोड़ा ओ लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। ये था ओ, ऑब्जेक्ट इज ओ, ये इमेज इज आई, ये हो गया पी। तो हम देखेंगे ये कोई पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, प्रीवियस फिगर में तो बी नहीं था। ठीक है, तो ये बी क्यों देंगे? ये ओ डेस दे देंगे, ये हो गया ओ डेस, ओ डेस। अच्छा, तो ये आई डेस। तो फिगर देख के पता चल गया कि ये दो ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर है। दिस टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, दिस टू ट्रायंगल्स, ये ओ ओ डेस पी एंड आई आई डेस पी। तो हम कहेंगे ओ ओ डेस पी अगेन, ओ ओ डेस पी ट्रायंगल एंड आई आई डेस पी ट्रायंगल, आई आई डेस पी ट्रायंगल आर सिमिलर, सिमिलर। अच्छा, तब एक्स लिए थे, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको यहां पे वाई ले लेते हैं। सपोज ये लेंथ है वाई, ये सिमिलर है, तो हम कहेंगे ओपी बाई आईओ, ओपी बाई ओआई कुछ भी कहो, इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय द होल लेंथ इज इक्वल टू 4/8। फिर से वही मजा आ गया, ओपी कितना है? ओपी हो गया, ओपी हो गया वाई, और ओ आई सॉरी पी आई, पी आई, पी आई गलत लिखा हूं, पी आई, पी आई, पी ओ बाय पी आई इज इक्वल टू ओ डैश बाय आई आई डैश। हाँ, पी ओ बाय पी आई, आई पी क्या हो जाएगा? अगर ये वाई है, ये 30 है, तो इट इज 30 + y दैट इज इक्वल टू 1/2। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, मारपीट करिए, क्या मिल रहा है देखो तो 2y इज इक्वल टू 30 + y और y का वैल्यू कितना मिला? 30 सेंटीमीटर। हाँ, काम बन गया। याद करो सेंटर कहाँ था? सेंटर कहाँ था? O से इधर को कितने दूर पे? 10 सेंटीमीटर पे। अच्छा, तो सेंटर यहाँ पे है, कहाँ पे? O से इधर को है, यहाँ पे सेंटर कितने दूर पे? 10 सेंटीमीटर पे। तो रेडियस ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा? यस यस यस, ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है? यस, ये समझ में आना चाहिए। तो ये समझ में आ गया हमें कि ये कनकेव मिरर है, ये जगह नहीं हो रहा है, थोड़ा इनको इधर करते हैं तो ये बनेंगे इधर। यस,
10, 10. It is a concave mirror. है ना, कंकेव मिरर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस वाई कितना है एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड the radius of mirror is x plus y that is equal to 10 plus 30 is equal to 40 centimeter. क्या मेरा क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया? Yes, sir. देखने में कितना खूंखार लग रहा था लेकिन है कितना आसान है कि नहीं, है कितना आसान, देखने में कितना खूंखार लग रहा था। यस, क्या मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग ट्राई कर पाओगे इसको? चलिए अगला क्वेश्चन आपके दिए है। क्या दिया क्वेश्चन दिया? क्या दिया? यहां पे है कोई ऑब्जेक्ट और ये है 3 सेंटीमीटर का, यहां पे है कोई इमेज, ये है 9 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसे दिया है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 40 सेंटीमीटर का। इन फिगर शोन फाइंड द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम मिरर। क्या ये क्वेश्चन को आप ट्राई करना पसंद करोगे? पूछा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या बताओ, इमेज का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम मिरर, कर सकते हैं? यू कैन डू, वी आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, आप कर सकते हो, जल्दी जल्दी करो। काफी लोग आंसर दे चुके हैं, काफी लोग आंसर देते देते थक गए। चलो सबको देखते हुए मैं ये क्वेश्चन का आंसर मैं कर रहा हूं। ये डिस्टेंस 40 है, सबको मालूम है, ठीक है? हमें निकालना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर मतलब फ्रॉम द पोल। पोल कहां होता है? इमेज को उल्टा करिए, चलो करते हैं इमेज को उल्टा करिए और इमेज को उल्टा करने के बाद इसको ऑब्जेक्ट की हेड के साथ जोड़िए, ये बन गया। यस, तो यहां होता है पोल। बोल हरि बोल, हो गया ना आंसर? देखो ये पूरा दिया 40 सेंटीमीटर, ये जो 3 सेंटीमीटर था इसको थोड़ा ऑब्जेक्ट को यहां से मिटाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, जस्ट मिनट, थोड़ा फिगर को ठीक कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये 3 सेंटीमीटर है ना, और ये मिट गया, ठीक है, और ये दिया है ऐसे हम लोग जोड़े हैं। यस, मालूम नहीं ये डिस्टेंस कितना है, ये एक्स है तो ये 40 माइनस एक्स है, ये इमेज था, ये ऑब्जेक्ट था, इसको ओ डैश कहो, इसको आई डैश कहो। क्या यहाँ पे कोई दो सिमिलर ट्रायंगल किसी को दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं, होने दोनों ट्रायंगल, सॉल्यूशन कुछ ऐसे जाएगा, ओ डैश पी ट्रायंगल एंड
एंड आई आई डैश पी, आई आई डैश पी ट्रायंगल आर सिमिलर, दे आर सिमिलर। हाँ समझ में आ गया, सिमिलर है। अच्छा तो दिस, ये तो 9 सेंटीमीटर का था ना, ये 9 सेंटीमीटर का, तो आप कहेंगे 3/9 और आई कैन से ओपी बाय पीआई, ओपी बाय पीआई इज इक्वल टू कितना होगा, ओपी बाय पीआई इज इक्वल टू, ओपी बाय पीआई इज इक्वल टू ओ डैश बाय आई डैश, ओ ओ डैश बाय आई आई डैश। बढ़िया, ओपी कितना है मालूम नहीं हुई तो पता करना है। अच्छा पीआई ये भी कहां मालूम है, अच्छा 40 माइनस एक्स, अच्छा तो ओ डैश कितना है, इट इज 3 एंड दिस इज 9। हां अब x का वैल्यू क्या है यार, 3x सिंपलीफाई करिए, ये हो गया इधर आ गया 4x, x हो गया 10 सेंटीमीटर। x क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कैसा मिरर है, सेंटर किधर है इसका, सेंटर जानने के लिए हमें इसको a से जोड़ना पड़ता है कि नहीं, सेंटर इधर कहीं होगा मतलब मिरर तो ऐसा वाला होगा। अच्छा ऐसा वाला मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर सिल्वर रहेगा, मतलब पता चल गया है कि कॉनकेव मिरर है। अच्छा कॉनकेव मिरर है, एक्स वाई 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी, थोड़ा गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं थोड़ा गड़बड़ हुआ है, पोल 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 है यहाँ पे, मैं तो कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है, यस यस यस, हाँ ठीक तो है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है, अच्छा ठीक है वर्चुअल है और मैग्नीफाइड, तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया कितना, हो गया यस 40 माइनस 10 30 सेंटीमीटर, यस देखो कितना आसान था, ये हर कोई कर सकता था, तो आप कहेंगे दैट इज 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या सबको समझ में आया, पूरा समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा समझ में आया, ठीक है। तो आज हम लोग दो नए नए कंसेप्ट देखे, कौन सा टाइप का मिरर है, कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इमेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, और पूछा नहीं था फोकल लेंथ, पूछेगा भी तो r by 2 कर दें, फोकल लेंथ होता है r by 2, सब कुछ निकालना हमें आ गया, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।